वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत से ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। रोहित शर्मा ने पिछले 5 मैचों में 62.20 की औसत और 133.47 के स्ट्राइक रेट से कुल 311 रन बनाए हैं। इस दौरान रोहित शर्मा ने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया है। इसमें रोहित शर्मा का अफगानिस्तान के खिलाफ 65 गेंदों में शानदार शतक भी शामिल है, जो वनडे विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज शतक है। अब रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरा करने से सिर्फ 47 रन दूर हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा से पहले भारतीय टीम के सिर्फ 4 बल्लेबाज 18,000 रनों का आंकड़ा छू सकते हैं। रोहित शर्मा ने अब तक 456 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 43.36 की औसत और 83.71 के स्ट्राइक रेट से 17,953 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा विश्व कप 2023 में शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं। ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि रोहित शर्मा का ये कीर्तिमान इंग्लैंड के खिलाफ मैच में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा रोहित शर्मा विश्व कप 2023 में अपने शानदार फॉर्म की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि रोहित शर्मा साल 2011 वाला कमाल करके दिखाएंगे और साल 2023 में भी भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब होगी।